गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मॉर्निंग के 10 बजे हैं, 10:30 हो रहे हैं। आज मेरा इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था जिसकी वजह से मैं काफ़ी लेट में सो के उठी हूँ और अभी भी कुछ भी शूट करने का मन नहीं कर रहा है। आपको मेरा फेस देख के लग रहा होगा, क्या करें, व्लॉगिंग कर रहे तो थोड़ा सा स्माइल रखना पड़ता है फेस पे, क्योंकि आप लोग हमको देख रहे हैं। ये देखो, यही होता है जब यहाँ बाहर शूट करते हैं। जब हम शूट करते हैं तो हमको फेस पे स्माइल रखना पड़ता है क्योंकि आप लोग हमको देखते हो, तो अगर हम भी ऐसा लेजी हो के आपको देखेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हर टाइम फेस पे स्माइल रहती है, कुछ भी हो। और अभी बाहर खड़े हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा नॉइस आएगा, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, माइंड मत करिएगा। आज भी हमारे यहाँ लॉकडाउन है, आज है सैटरडे और आज लॉकडाउन का 8वां दिन है। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ हुआ है, थोड़ी सी छूट है, मॉर्निंग में 7 बजे से 11 बजे तक सारी दुकानें खुलती हैं, लेकिन हमारी दुकान आज भी बंद है। ये देखिए, बगल में अभी एक दो लोग खोले थे, ये लोग थोड़ी देर में बंद करके चले गए क्योंकि अपनी सेफ्टी नंबर 1 पे सब लोग रख रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। कुछ लोग खोलते हैं 11 बजे तक, उसके बाद बंद कर देते हैं। ये देखिए, वंस बैठ के कार्टून देख रहे हैं। और क्या खा रहे हो? बालाजी चिप्स खा रहे हैं। और एक चीज़ वंस ने आज मॉर्निंग में अच्छा किया है कि वंस उठते ही हमको गुड मॉर्निंग बोले, उसके बाद बोल रहे मासी हमको संडे मंडे याद हो गया है। तो इसलिए क्योंकि इनको पिज़्ज़ा का लालच है, इनको पिज़्ज़ा खाना है ना, इसीलिए ना। अभी हम आ गए हैं छत पे कपड़े हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा धूप है यार, मौसम इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कब धूप हो जाए कब बारिश हो जाए कुछ भी अता पता नहीं है। ये देखिए, वंश को पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते सो गए। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। आज खाने में है दाल रोटी और सब्जी, थोड़ा सा चावल भी है, मैं चावल थोड़ा कम खाती हूँ। खाना खा के सो गए थे, अभी उठे हैं और अभी जा रहे हैं हम वंश के लिए बर्गर बनाने। वेलकम टू टाना न्यू व्लॉग, मैं हूँ अभी किचन में और आप लोग जरूर जानते होंगे कि मैं कंचन मौसी को संडे मंडे पूरा सुना दिया, संडे से लेके ट्यूसडे तक मैंने सुना दिया है और वो अब मेरे लिए बर्गर बना रही हैं। मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी कंचन मौसी बना रही हैं। कंचन मौसी क्या कह रही है? ये देखिए, ये पाव, ये है सलाद और ये क्या है? अरे यहाँ जा रहा है बर्गर बनने और ये कंचन मौसी देखिए सॉस डाल रही है पाव में और ये हमारा आलू गरम गरम। अभी हम आपको खाकर टेस्ट बताएंगे, पहले बन जाए तो। देखिए किचन में क्या हालत हुई है, पसीना पसीना हो गए। ये देखिए, हमारा बर्गर बन के रेडी हो गया है। वैसे वंश को हमने दे दिया है, वंश खा रहा है। चलते हैं नीचे और पूछते हैं वंश से कैसा बना है। कैसा है वंश? टेस्टी। सब लोगों ने खा लिया है, सब लोगों ने बोला अच्छा बना है, अब हम खाने जा रहे हैं। अच्छा बना है, हमको खुद पे बिलीव नहीं हो रहा कि हम इतना अच्छा बर्गर बना सकते हैं। वंश ने अभी अपना पूरा खा लिया है और हमारा हाफ खा लिया था, हमने हाफ बचा था, उसके बाद वंश ने बोला और खाना है तो हमने इसमें से और दे दिया इनको। वंश, बर्गर कैसा था? अच्छा टेस्टी था। इवनिंग का नाश्ता करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ छत पे और अभी मैं इंस्टाग्राम पे सभी लोगों से बात कर रही थी। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर मैं डेली सबसे बात करती हूँ और मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई कर रही थी। तो मैंने देखा कि एक दो लोगों ने कमेंट किया है कि आपकी दीदी और मम्मी को कैमरे पे आना पसंद नहीं है, वो कैमरा अवॉइड करते और जब आप शूट करते हो तो वो नहीं चाहते कि आप शूट करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैमरा फेस करना छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं। और रही बात मम्मी और दीदी की, तो वो अभी कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं किसी को भी व्लॉग में नहीं लाती हूँ। इनफैक्ट मुझे ही देख लीजिए, अभी मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो कोई टेंशन नहीं है, बिंदास शूट करती रहती हूँ। लेकिन आप अगर मेरे पीछे के व्लॉग देखेंगे, मेरे चैनल को चेकआउट करिए और पीछे के व्लॉग देखिए, स्टार्टिंग के जब मैं बिल्कुल भी बोल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा हेजिटेट होती थी। जब आप मेरे चैनल की पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि वो लोग नहीं चाहते कि मैं शूट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में सभी लोग, मम्मी दीदी पापा
सब लोग चाहते हैं कि मैं और अच्छा सूट करूं। इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते रहते हैं हर टाइम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप नॉन वेज रेसिपी बना के दिखाइए, तो सबसे पहली बात कि यार मैं नॉन वेज खाती नहीं हूँ और मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो नॉन वेज मैं बिल्कुल भी ना बना सकती हूँ ना दिखा सकती हूँ, इसके लिए सॉरी। और वेज में तो जो कुछ भी होता है मैं ट्राई करती हूँ बनाने के लिए। वैसे मुझे सब कुछ बनाना आता है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं बना पाती हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है। ये बात अलग है कि मैं डेली आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ। अभी डेली मैं रेसिपी दिखाने लगूंगी तो आप लोग बोलेंगे क्या पता नहीं रोज़ रोज़ वही सब दिखा रही, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। आज का व्लॉग छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी, मुझे हेडेक हो रहा था, इसलिए आज के दिन सह लीजिएगा थोड़ा सा। कैसी लगी आपको हमारी आज की शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी भी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।